हीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर जारी बीजेपी के मैनिफेस्टो का विरोध भी शहर में शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के शहर महासचिव वीरेंद्र यादव ने बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को चुनावी आश्वासन बताया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सपने दिखाने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये पूरी जुमलाबाजी है। मीरा भाईंदर शहर में बीजेपी 3 साल से सत्ता संभाल रही है, बात तो सही है, 3 साल से संभाल रही है, लेकिन इसके पहले भी बीजेपी अपोजिशन में भी थी और किसी के साथ में भी थी। इन्होंने कुछ विकास नहीं किया। मीरा भाईंदर में पूरा सिर्फ एंड सिर्फ ये अपनी जुमलेबाजी के साथ लोगों को जस्ट एक आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है ये लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 बार उद्घाटन कर दिया गया है पानी के लिए, 75 MLD पानी, कभी कोई कहता है 200 MLD पानी, लेकिन आज तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। नए कनेक्शन दे दिए गए, पुराने कनेक्शन का ही पानी अभी पूरा नहीं हो रहा है, नए कनेक्शन को कहाँ से देंगे ये लोग पानी। सूर्या प्रकल्प की योजना अभी तक शुरू भी नहीं हुई, कनेक्शन हुआ ही नहीं, और पानी 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 चलाते रहते हैं लोग। की पूरी जुमलेबाजी चल रही है, पूरी की पूरी जुमलेबाजी चल रही है, सिर्फ झूठ है, झूठ है, झूठ। कम्युनिटी हॉल बनाने की उन्होंने बात कही है ना, अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक भी कम्युनिटी हॉल बना नहीं है मीरा भाईंदर में, ना तो उद्घाटन ही हुआ है ठीक से। आ करके अगर कहीं नारियल फोड़े होंगे तो हमको नहीं पता, लेकिन कोई भी कम्युनिटी हॉल का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, ना उसका कोई बजट पास हुआ है, और ना तो उसका जगह डिसाइड किया गया है कहीं पे। पूरी तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है, और हर समय यही कहा जा रहा है हम करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, हम आएंगे तो करेंगे। अरे आएंगे 3 साल में आपने क्या किया पहले वो तो बताइए, करेंगे तो हम भी करेंगे, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे तो सपने हैं करने के बहुत सारे। मीरा भाईंदर को एक सुंदर स्वच्छ समृद्ध शहर बनाना चाहते हैं हम। अगर उन्हीं की तरह बोलें तो उनसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते, हम करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा महिला जिला अध्यक्ष रोशनी सलार ने भी बीजेपी के इस संकल्प पत्र को सिर्फ सपनों का कोरा आश्वासन करार दिया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि इतने सालों से अगर बीजेपी की सत्ता चली आ रही है तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि उन्होंने किया क्या है। करने वाले बहुत सारी चीजें हैं जो करेंगे, करने वाले हैं, मगर हम ये जानना चाहते हैं उन्होंने किया क्या है। जहाँ तक रस्तों की बात करें, सीमेंटीकरण, तो सीमेंटीकरण हुआ कहाँ है? जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनकी सत्ता है, जो उनका एरिया है, उसको छोड़ के हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या और कहाँ किया है। सर शहर का विकास तो छूट ही रहा है जहाँ तक हम देख रहे हैं। इन लोग ओपनिंग के लिए आपस में झगड़े करते हैं, मारामारी करते हैं, यही सब चलते रहता है। हम ये चाहते हैं कि उद्घाटन का विषय अलग हो, काम शुरू किया जाए। जहाँ तक पानी का, 3-3 बार तो उद्घाटन ही हुआ है, उल्टा का ये सारा लोड जो पहले जिन लोगों को पानी मिल रहा था वो विचारों पर आ चुका है, सिर्फ किताबों में है। सर जी ये पूरे सपने बेचने का काम हो रहा है, तो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दे तो ही अच्छा है। मैनिफेस्टो सिर्फ किताबी बातें हैं, हम उस चीज़ पे विश्वास करते हैं जो चीज़ हमारे सामने है, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, इस पे ना ही विश्वास करें तो अच्छे। ये सिर्फ सपने दिखा रहे, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में लोगों को गुमराह करने की स्कीम है ये, नथिंग एल्स नहीं है सर, और नहीं होगी, क्योंकि उन लोग बनाने वाले ये सिर्फ तो किताबों में लिखा हुआ है ना। अगर उनको बनाना रहता, अगर उनकी सोच रहती तो 3 सालों में कुछ तो किया रहता उन्होंने, नहीं उसमें लोकेशन लिखा गया है, नहीं कुछ लिखा गया है, सिर्फ सपने हैं कि हमारा शहर ऐसा बनेगा, हमारा शहर वैसा बनेगा, बस होगी, मेट्रो होगी, हाईवे होगा, सब्वे होगा, अच्छे ग्राउंड होंगे, अच्छा पार्क होगा, अच्छा कोर्ट होगा, कार्यालय होगा, मगर ये सारी की सारी किताबी बातें, इसमें से कुछ तो किया रहता तो हम भरोसा करते कि वो पार्टी कुछ कर सकती है करके। और ये करता कोई ऊपर का इंसान है, ये डायरेक्टली सेंट्रल की जो स्कीमें रहती है जो लागू होती है, मगर यहाँ पे आके ये बोला जाता है कि ये चीज़ हमने की है, हमने नहीं की है, जो कर कोई और रहा है और श्रेय कोई और ले रहा है। सो डेफिनेटली